sarv sarv kala sarv kala samrat dole जैसी उपजी पेड़ ते कबीर जैसी उपजी पेड़ ते ऐसी निब है ओ जो तैसी निब है जो तैसी निब है ओ कभी गंग जमन के अंतरे कभी गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट सहज सुन के घाट कबीर मट की कबीर मट की खोजते मुन जन खोजते मुन जन जैसी उपजी पेड़ते कभी जैसी उपजी पेड़ते जो तसी हीरा किसका कबीर गंग जमन के अंतरे कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट सहज सुन के घाट कहाँ कबीर मटकिया गंग जमन के अंतरे तहाँ कबीरे मटकिया खोजत मुनि जन बाट कबीर जैसी उपजी ऐसी निब है और निबाह लिहो मैं को पुरख बिदाते निबाह लिहो मैं को पुरख बिदाते और पहुँचावो दाते निबाह लिहो तब लग प्राणी तिसे सरेवा तब लग प्राणी तिसे सरेवा जब लग घाट में सासा निबाह लिहो तब लग प्राणी तिसे सरेव जब लग घाट में सासा जे घट जाए जे घट जाए तां भाव न जासी निभाए लिहो जे घट जाए तां भाव न जासी हर के चरण निवासा पहला किसी चीज नू अपनाउन तो पहला परख अपनाउन तो बाद दृढ़ता दो चीज़ां साढ़े सामने सवाल ने श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दी बाणी अंदर तरतीबवार सिख नू दोनों चीज़ां दी वाकफियत दित्ती गई है पहला ये परख कर कि तू किंदे नाल जुड़ रहा है तेरा संबंध किंदे नाल है इसलिए चेतावनी गुरबानी दा एक ख्याल है जो सानू चेतन करदा है ते कहंदा है सुन बावरे सुन बावरे तू काए देख भोलाना तू काहे देख भुलाना सुन बावरे निहो कूड़ा लायो निहो कूड़ा लायो कसुंभ रंगाना कसुंभ रंगाना दा लफ्ज एक चेतावनी है। कसुंबे दा रंग बड़ा खूबसूरत होता है जिंदे ते वेखण वाला भुल जाता है खरे ये रंग पक्का मजबूत खूबसूरत हमेशा रहेगा। पर गुरु ने बाणी विच आखिया कहन लगे देख कसुंभा रंगला देख कसुंभा रंगला काहे भूल लागे देख कसुंभा रंगला खंदड़ों की भुल देखण विच कोई गलती भुल हो सकती है इसलिए न्यू लगान तो पहला बड़ी सियानप की वरतों कर। मैं बाबा कबीर जी दे अज दे ख्याल वाल वधना चाहना जरा चौफेरा समझना है। कहते ने परख दी सोच दी कसवटी दी वरतों कर तू किंदे नाल जुड़ रहा है। पहली चीज क्योंकि गलती हो सकती है निरी गलती नहीं तैनू कुछ गुमराह भी किया जा सकता है इसलिए जे तू परख के न्यू लगाया होएगा तेनू कोई भुलेखे विच नहीं पा सकेगा तू भुलेगा नहीं। गुरबानी ने एक लफज वरते ने कहते ने मूल लालन सो प्रीत बनी मूल लालन सो प्रीत बनी तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे क्योंकि मैं परख के फैसले नाल पछाण करके साझ पाई है। हुण ना मैं तोड़ सकना ना मेरी प्रीत दे दरम्यान विच कोई होर आ सकता है। लो ए दो श्लोकां नूं हुण आपां सामने रखिए क्योंकि जेड़े लोग बिना पछाण दे प्रीत पाउंदे ने ओ अज नहीं कल कल नहीं परसों टुटदी है निभदी नहीं। गुरु ने क्यों बाणी विच आख्या रत्ते से जे मुख न मोड़े जिनी संजाता साई। जिन्होंने संजातन का मतलब है पछाणना, संजान लेना। जिन्होंने अपने मालिक की परख करके पछाण कर ली, संजान लिया, जान लिया, वो कदी मुंह मोड़ते नहीं, कदी बेमुख होंदे नहीं। उन्हां दी अवस्था ये बन जाती है कि तोरी ना टूटे, छोरी ना छूटे। ऐसी माँ दो खिंच तनी ओ निभदी है, नहीं तो समाज विच असी आम करके रोज दा वर्ताव देखने आ। प्रीत लाउनी होर गल है, निभाउनी होर गल है। ऐसी जीवन विच अपनियां रिश्तेदारियां, मित्रां, दोस्तां, बल्कि वस्तुओं नाल भी साडा कई बार बड़ा प्यार है। मैं कई बार एग्जाम्पल देना भी, असी बाजारों जदों कैलेंडर खरीदण जाने आ, वेख के सब तो खूबसूरत जिहड़ा सानू लगदा है ओहो ही खरीदने। उन्हों लिया के अपने ड्राइंग रूम दे उस हिस्से विच टंगने आ जिस हिस्से विच हर किसी दी निगाह पाए, ते उन्हों ओ कमरा खूबसूरत सजावट भरिया लगे। पर एक ख्याल करियो, कुछ दिन ही बीतते हैं, पहला जदों असी उस कमरे में वड़ने साडा ख्याल, साडी निगाह उत्थे ही जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, फिर हौली हौली उत्थे निगाह जानी हट जाती है, तवज्जो नहीं रहती। होर कुछ दिन बीतते हैं, फिर साडा बिल्कुल उधर ख्याल नहीं जाता। जदों साल बीतता है ना, ओहो ही चाह नाल लियांदा होया कैलेंडर लाईदा, गार्बेज विच सुट देईदा ते नवा लिया के ला देईदा। ओ न्यू, ओ स्नेह पुराना हो गया। बस मनुख दी जिंदगी दी, जीवन दी एहो तस्वीर है। मनुख आम जिंदगी अंदर देखे जिदे जिथे भी न्यू लगांदा है, कुछ दिना बाद पुराना हो जाता है। परिवारिक भी पुराना हो जाता है, वो स्नेह मुड़ नहीं रहिंदा। ये असी आम जिंदगी घरां विच भी देखने। पर इत्थे एक सवाल खड़ा हो गया, जे ओ प्यार, ओ प्रीत, ओ न्यू निभदे नहीं, तां कि न्यू लगाना छड्ड दिओ। अक्सर मनुख नास्तिक हो जाता है, अक जाता है। घरां दे जीवन तो कई लोग अक जाते हैं, जे पहले नाल नहीं निभी घर विच ते फिर हुण न्यू लगाना ही नहीं, क्योंकि निभदी नहीं। इत्थे हुण बाबा कबीर जी दे श्लोक नूं फिर विचारीए। बाबा कबीर कहंदे ने, कोई चीज़ तैनूं चंगी लगे, उत्थे तेनू सुख मिले, ते उस सुख नाल तू न्यू लगा ले, जुड़ जाए। पर एक ख्याल करी, जुड़ जाना एक बार ही सब कुछ नहीं, जे तू निभा ना सके। ते निभान दी तारीख, निभान दा पीरियड कोई छोटा नहीं, छोटा नहीं। जिस दिन तेरी पदाइश होवे, जिस दिन आरंभ होवे, जिस दिन तू अजे बीज रूप होवे, उस दिन जिस नाल तेरी प्रीत लग जाए, जिस दिन तू अपने आप दा अंत समझे ते कोई वेखण वाला तेनू वेखे ते वेखे की भी उसे नाल जुड़िया होया है। डिपदी किवें बार बार एक क्यों मंग की गई है? तब लग प्राणी तिसे सरेवा, जदों तू अजे बीज रूप विच सह, जिस नाल ओदों जुड़िया ते जिन्ने तेरी ओदों रखिया कीती, संसार विच आया, वधिया फुलिया, जीवन दियां शामां पईयां ते जीवन दियां शामां जदों अंत दे रात दे रूप विच बदलियां, उदों भी तैनूं कोई वेखे तू उसे नाल जुड़िया होया। तब लग प्राणी तिसे सरेवो, जब लग घट में सासा, जे कट जाए, कट कहंदे ने शरीर नूं, कड़ा जे भला कड़ा चला भी जाए, टुट जाए, शरीर चला भी जाए, पर तेरे अंदरों ओ भाव, ओ प्यार, ओ प्रीत जिहड़ी पहले लगी हुई सी, जैसी उपजी पेड़ ते, बाबा कबीर आख रहे ने, जे कट जाए ता पाहो ना जासी, प्रीत नहीं टूटनी चाहिए। मूल लालन सो प्रीत बनी, तोरी ना टूटे, छोरी ना छूटे, पर आखिर उस प्रीत नू परख के कदर किमें बनी। लो हुण आपां इस तों पहले श्लोक वाल आइए। कहंदे ने कबीर गंग जमन के अंतरे, सहज सुन के घाट। एक श्लोक बहुत विचारने वाला है, क्योंकि एग्जाम्पल रूप लफज ज्यादा नहीं। कहंदे ने गंगा ते जमना दे दरमियान विच, गंगा ते जमना इत्थे लफज क्यों वरते, मैं चाहना चाहिए चंगी तरह से समझिए, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती ते जेड़ा राज जा जेड़ा ख्याल कम कर रहा सी ब्रह्मनिज्म दा, उन्हें गंगा जमना नू बड़ा पवित्र रूप दिता होया सी, और उनका कारण भी मैं तुहाडे नाल सांझा करना चाहना, क्योंकि उन्हें अपने तीर्थ अपने टिकाने नदी के किनारे बनाए सन। पानी की बहुत लोड़ है। मैं सधारण जी गल तो अंदर सांझे करना चाहना, जिथे भी मनुख होवे सब तो पहला उन्हें पानी की जरूरत है। पानी पिता जगत का, पानी पिता है, इनके बिना सरदा नहीं। पहला पानी जीव है, जित हरिया सब को है। इसलिए जदों ब्राह्मण ने तीर्थ इकट्ठे करने सन भी लोग मेरे कोल आउन, मैनू घर घर ना जाना पवे। हुण जे लोग इकट्ठे हो के मेरे कोल आन ते मेरा घर पूरा होवे तां जरूरी है कि मैं लोकां दा इंतजाम करां, किवें आउणगे, कित्थे रहणगे। सब तो बड़ी जरूरत सी पानी की, आज भी है। मैं इस गल नूं तां खिलारना चाहना चंगी तरह समझ आ जाए, आज भी है। पुरातन समय अंदर भी जिन्ने तीर्थ बने जा नदियां दे कंढे, दरियावां दे कंढे, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਦਾ ਸੀ उस थान ते जदों अस्थान बनाया तो वेख्या इत्थे नदी नेड़े नहीं ते तालाब बनाने पे। तालाब बनाने का भी मतलब यही सी ते उन्हां तालावां नूं ते उन्हां नदियां नूं लोगां दे विचारां विच खिच पैदा करन लई ये साबित कीता गया कि ये महान पवित्र ने। भावें कोई तालाब विच इशनान कर ले तद भी पवित्रता दे मन अंदर ख्याल आया, जे कोई आके गंगा विच इशनान कर ले तद भी पवित्रता दा ख्याल। ऐसा एक मन अंदर भर दिता गया ब्राह्मणिज्म ने कि लोग तीर्थ ते आउण ते ये ख्याल करन भी उस तीर्थ क्योंकि गंगा दे कंढे ते है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे सवैया अंदर तीजे पातशाह दे सवैये विच जलन पट पटां विचों उनका नाम जलन है। वो जलन पट गुरु अमर दास साहब की गल करदा होया भी इहो गल कहंदा है, गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम गोबिंदवाल जिहड़ा रब दे घर दे समान सी पवित्र स्थान। गुरु अमरदास साहब ने वो ब्यासा दे कंडे बनाया क्योंकि संगत जुड़नी है, पानी की लोड़ता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब अंदर पट्टां दे सवैयां विच जलन पट दा सवैया है। वो कहता है, गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम जलन तीर बिपास बनायो। तीर कहंदे ने किनारे नूं, बिपास तो इथों भाव है ब्यासा। ब्यास दे तीर किनारे ते गुरु अमरदास साहब ने रब दे घर भाव ओ पवित्र स्थान नियत कीता। गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम जलन तीर बिपास बनायो, क्योंकि रिवाज ये पैदा हो गया सी किसी न किसी नदी दे कंढे स्थान बनाओ ते लोगों की जरूरत पूरी हो सके। ते जे कोई ऐसा इतिहासक स्थान इतिहास नाल संबंधित किसी होर थां ते है जिथे नदी नहीं तो उत्थे तालाब बनाओ। मकसद दोनों ही चीज़ां लोगों को जोड़न दियां, इकट्ठा करन दियां, जे आए हुए लोगों का ताकि जे जरूरतां ने वो पूरियां हो सकन। ब्राह्मण ने काम पहला शुरू किया सी क्योंकि उन्हें तीर्थ बनाए ते नदियां दे कंढे ते नदियां न लोगों के दिमागां विचारां विच ओह बिठा दित्तियां। हालांकि गुरु ने ये गल नहीं कीती, ये फर्क है। गुरु ने ब्यासा नूं ब्यासा दे रूप विच कोई महान नदी नहीं आख्या, तीर उहदे ते किनारे नूं वरतिया इसलिए ताकि लोगों का घर पूरा हो सके, पर उत्थे ब्यासा की सिफत नहीं कीती। पर ब्राह्मण ने गंगा जमुना गोदावरी सुरस्ती सारे दी सिफत विच ओ कुछ लोगों के विचारां विच बिठाया कि लोग इत्थे गंगा विच इशनान करन आउण, ओ पवित्र है। श्री गुरु ग्रंथ साहब ने भी ब्राह्मण दे उस ख्याल नूं कई थावां ते अंकित कीता है। बल्कि एक गल स्पष्ट कीती है कि लोग जां ब्राह्मण कहता है गंगा जड़ी वो पवित्र है, पर गुरु कहता है नहीं, मैं समझदा नाम जड़ा है वो ही गंगा है। इनका मतलब गंगा लफज की पवित्रता की संज्ञा दे रहे हैं। गुरबाणी आखरी है, गंगा जल गंगा जल गुरु गोबिंद नाम। गुरु कहते ने गोबिंद दा नाम जेड़ा है ओहो ही मेरे लिए गंगा जल है, क्योंकि ब्राह्मण कहता सी गंगा पवित्र, गुरु कहता नहीं नाम पवित्र है। पर संज्ञा दिंदा भी जे तेरी निगाह विच गंगा पवित्र है तां मेरी निगाह विच नाम गंगा वांगू है। सतगुरु कहते हैं गंगा जमुना गोदावरी सुरस्ती ते उद्यम करे तूर साधु की नाई। गंगा जमुना गोदावरी सुरस्ती जिन्होंने तू महान महान पवित्र समझना है ते आखना है, लोगों को कहना है इनदे विच इश्नान करो पवित्र हो जाओगे। गुरु कहता है ये तां सारियां गुरु दे चरणां दी धूड़ नूं तरसदियां ने। देखो गुरु दी सोच ते फैसले कितने अजीब ने। मैं इस तो अगे वधना चाहना अगली लाइन अंदर कहते ने गंगा जमुना गोदावरी सुरस्ती ते उद्यम करे धूर साधु की ताई। क्यों कहते ने वो समझदियां ने भी दुनिया के लोग मेरे विच आके साडे विच आके इश्नान करते हैं तो अपने पाप धो जाते हैं। वो सारे पाप तो साडे कोल इकट्ठे हो जाते हैं। ते उद्यम करे धूर की साधु की ताई केले में खमैल भरे परे हमरे विच पापां दी मैल दे भरे होए लोग आके साडे विच इश्नान करदे ने ते इह निश्चा लै जांदे ने भी असीं पाप उतार आए हां। गंगा ने साडे पाप लै लैणे ते साडे कोल तां बहुत पाप हो गए, असीं कित्थे जाइए? ते जवाब बड़ा खूबसूरत है। कहते ने किलवे खमैल भरे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की धूर गवाई। जदों गुरु आके चरण पाउंदा है तां साडे सारे पाप उत्थे उतर जाते हैं। देखो गंगा दी पवित्रता दी उदाहरण दे दित्ती है, एग्जाम्पल दे दित्ती है, पर आख्या प्रभु दा नाम वड्डा है। निराल प्रभु दे नाम दी गुरु दी महानता ज्ञान वड्डा है। हुण आ जाओ बाबा कबीर जी दे श्लोक वाले। बाबा कबीर कहंदे ने जे भला गंगा जमुना जिहड़ी है वो दोनों पवित्र नदियां ने ते उन्हां दा किनारा पवित्र है। कोई किनारा भी पवित्र, हर किनारा तो पवित्र नहीं ना। मैं एक बार की सी गंगा कितों गंगोत्री तो चली, लोग हरिद्वार ही क्यों जान, किते भी नाल है पर लोग हरिद्वार ही, क्योंकि यह भी नाल भुलेखा पाया गया कि गंगा बेशक सारी पवित्र है पर इश्नान आके हरिद्वार ही करना है, कुरुक्षेत्र ही करना है। ये तीर्थ एक किनारा पवित्र है। बाबा कबीर बड़ा खूबसूरत व्यंग कर रहे हैं। कहते ने गंग जमन के अंतर सहज सुन के घाट। भाव मैं उथे आ गया जिथे गंगा ते जमुना इकट्ठियां बैठियां ने। भाव जिन्होंने अगे जाके गुरबाणी विच भी जिक्र आया त्रिवेणी, जिथे गंगा जमुना ते सुरस्ती इकट्ठियां होंदियां ने उन्हां नूं तू आखना हे ब्राह्मण मैं गंगा जमुना दे अंतर भाव उनदे विच आके बैठ गया ते निरा विच नहीं बैठा भी किनारे ते आ। ओ किनारे दा नां है सहज। इंदा मतलब नदियां की गल नहीं कर रहे, पवित्रता की गल कर रहे। कहते ने मैं एक ऐसे पवित्र टिकाने ते पुज गया जिंदा किनारा जेड़ा है वो सहज है, सहज सुन। क्योंकि गल तो चल रही है अवस्था दी, किसी नदियां की गल तो एग्जाम्पल है केवल नदियां की, क्योंकि मनुख ये समझता है कि गंगा जमुना पवित्र ने। बाबा कबीर कहते नहीं, पवित्रता है उस अवस्था विच जिस अवस्था नूं सहज आखदे ने, जिवें गंगा जमुना दा कोई किनारा पवित्र तूं आखना है, इसे तरह उस पवित्रता दी है एक अवस्था जिसका नाम है सहज। सहज सुन के घाट, घाट नूं कहंदे ने किनारे नूं कहंदे ने। गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट। गंगा जमुना विच ते खास कर सहज सुन दे, सुन अवस्था सहज दी जिहड़ी अवस्था है उहदे काट किनारे ते मैं पुज गया। दुनिया दे लोगों, इस किनारे ते पहुंचना, कोई सहज दे किनारे ते पहुंचना कोई आसान नहीं, कोई सौखा नहीं। तां कबीरे मट गया, मैं तो उत्थे रहैश कर ली, टिक गया, जिथों दा राह वड्डे वड्डे मुनि जन सहज अवस्था नूं प्राप्त करन लई इस राह ते तुरे सन, मैं उत्थे पहुंच गया। सहज सुन के काट से लो, इत्थे हुण रुकना चाहना, रुकना चाहना, जिथे मैं विचार मुख रूप विच करना चाहता है, क्योंकि अज का ये श्लोक, दोनों श्लोक जड़े ने बड़े गैर गंभीर ढंग नाल सोचण वाले ने। लफज आ गया किनारा, जड़ा पवित्रता का किनारा है, ठिकाना है, घर है, वो है सहज सुन। हुण सहज लफज जड़ा है आज दी साडी प्रॉब्लम बनी हुई है, इत्थे रुकना चाहिए। आज एक बड़ा वड्डा दुखांत पैदा होया है केवल सहज लफज दी अनजानता करके। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भी सहज दा जिक्र है ते बहुत जिक्र है, एक शब्द ने कई ने। तै पावस सिंध धूप नहीं छैया, तैं उत्पत परलो नाही, जीवन मिर्त ना दुख सुख व्यापे, सुन समा दूत नाही। सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर सहज अवस्था बारे बहुत कुछ आख्या गया है, पर तुसी हैरान हो गए। ब्राह्मणिज्म ने एक परेशानी जिथे बाकी दे उथे साडे नाल एक वधीकी कीती है कि जो कुछ श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर जिस ख्याल नाल कोई भी गल कीती गई है उनके उल्ट एक गुमराह करने वास्ते ख्याल रख दिता गया है। साडे विच असी इस गल नूं चंगी तरह विचारन दी लोड़ है। सहज श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच भी है, सारा वो सहज पढ़ लो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सारी बाणी सहज ते जड़ी है वो इकत्र कर लो, तुहानूं उहदे विच महान ते उच्ची अवस्था का जिक्र मिलेगा। बल्कि रब दे मिलाप का नाम ही सहज श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने मन्निया है। आपां रोजाना जीवन विच वरती जाण वालियां लावां दा पाठ है, उनकी चौथी पौड़ी, चौथी लाम पढ़ो। हर चौथड़ी लाम, हर चौथड़ी लाम मन सहज भया। सहज भया की हर पाया बलराम बारली चीज तो नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच हर चौथड़ी लाम मन सहज भया, हर पाया बलराम जियो। कहने लगे चौथी अवस्था केड़ी है, क्योंकि तीन अवस्था संसारिक ने, राजगुण, तम गुण, सतगुण कहिए, ये तेरी सब माया। ते चौथी की है, चौथे पद को जो नर चीने तिन्हीं परम पद पाया। चौथा पद है सहज पद। इत्थे भी चौथड़ी लामन सहज भया। पर की कारण है श्री गुरु ग्रंथ साहब दा जिन्ना सहज है उन्होंने बिगाड़िया क्यों गया जिथों परेशानी आज भी आज दे योग अंदर परेशानी पैदा हुई है। मैं कुछ गल्लां तुहाडे नाल वक्त नाल सांझियां करनियां अपना फर्ज ड्यूटी समझना। एक ग्रंथ है उनका नाम है प्रेम सुमारग। प्रेम सुमारग उस ग्रंथ के उपर हैडिंग जिहड़ा है वो है खालसाई जीवन जुगत। जीवन जुगत का अर्थ की करोगे रहत मर्यादा जीवन की जुगती उनके उत्ते हैडिंग मैं इत्थे पढ़ा सकना मेरे को है। उनके उत्ते हैडिंग है खालसाई जीवन जुगत ते किंदा लिखिया होया साबित किया गया है। यह जीवन जुगत कौन दस रहा है थले लिखिया होया पातशाही दसवीं पढ़ा सकना। वो सिर्फ मेरे कोल नहीं साडे केंद्र श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लाइब्रेरी विच भी वो ग्रंथ है क्योंकि बड़ा मशहूर है जिथों भी चौक बाजारों में मिल जाता है। नाम है प्रेम सुमारग थल्ले हेडिंग है खालसाई जीवन जुगत पातशाही दसवीं। हुण बाकी गल्लां तां बहुत सारियां ने जिहड़ियां मैं अज जिक्र नहीं कर सकदा। तुसीं देख सकदे हो पढ़ सकदे हो मेरे कोलों चाहो पढ़ कहो तां मैं इंटरनेट ते मेल करके भेज भी दिना जिस किसी भी भैन नूं जरूरत हो पढ़ना चाहे। उनदे विच सारा कुछ ब्राह्मणिज्म ही है किवें विआह करवाना है जे दूजी वार विआह करवाना है तो लड़की नूं औरत नूं किवें मिट्टी विच दबना है किवें उहनूं साफ करना है किवें पवित्र बहुत कुछ लिखिया होया है। उनदे विचों ही मैं जिक्र कीता सी बड़ा स्पष्ट लिखिया होया कि जे तेरे घर रोज़ मास नहीं बनता तो जिस दिन तेरे खाने में मास ना बने उस दिन तेरा खाना जिहड़ा है भोजन जिहड़ा है वो भूत प्रेत खाते हैं क्योंकि मास की खुशबू मेरे रब नूं पसंद है। बकायदा उहदे च लिखिया होया पढ़ सकते हैं खालसाई जीवन जो पातशाही दसवीं के नाम थले। बहुत कुछ होर है मैं उत्थे विस्तार विच नहीं जिथे मैं जाना चाहना उत्थे अखीर ते इंदे विच सब तो अखीर ते सारे चैप्टर जिले खत्म होंदे ने उत्थे एक चैप्टर अखीर ते है जिसका नाम है सहज योग क्योंकि गल सहज दी चली सी मैं तद इत्थे लेना चाहता सी। बाकी तो सारा ग्रंथ पढ़ के तुहानूं आप ही पता लग जाएगा भी दसम पातशाह दे नां ते किवें वरतिया गया। अखीरला जिहड़ा चैप्टर है उनका नाम सहज योग है। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच भी है सहज योग। मैं तुहानूं कहना चाहता देखना है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब नालों किवें तोड़िया जा रहा किवें गुमराह किया जा रहा जिंदा नतीजा है कि अज अज दे युग अंदर बड़ा वड्डा काफला एक दूजे नाल टकरा रहा है। इसे गल ते उस सहज योग दे विच बहुत सारिया गल्लां सानूं ऐसियां लगन गईयां जिहड़ियां बहुत चंगियां ने जिवें दुख सुख इक्को जिहा समझो ठीक है। वो गुरबाणी विच भी है जो नर दुख में दुख नहीं माने सहज है। सुख स्नेह अर भैणी जांके कंचन माटी माने न निंदिया न उसतत जांके लोभ मोह अभिमाना दुख सुख नूं बराबर समझना जीवन ते मौत नू बराबर। आप सुखमनी साहब भी पढ़ने जैसा स्वर्ण तैसी उस बाटी तैसा अमृत तैसी बेख खाटी। हुण अमृत ते जे बेख बराबर ने ते फिर संसार नू अमृत छकन लई किवें जां अमृत गुरु साहब एक पासे तां ये कह रहे ने बाणी अंदर सोचो जरा कहंदे ने पी अमृत आघाणिया गुरु अमर कराया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब च बार बार कह रहे हैं पीवो पाओ सतगुरु बाणी बाणी अंदर आख रहे हैं अमृत पीवो सदा चिर जीवो। दूजे पासे जहर बारे ये गल कह रहे हैं बिखे बन फीका त्याग नहीं सकिए जहर छड्ड दे। ਜ਼ਹਿਰ त्याग दे। ते जे भला दोनों चीज़ां बराबर ने ते इत्थे लफज आ रहे ने तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। ये भी गुरबाणी है। सानू समझना पैगा गुरबाणी दे सहज नूं असीं किवें पछाणना। इत्थे अमृत ते बिख बराबर है तो फिर अमृत की क्या वैल्यू रह गई जो अमृत ते जहर बराबर है। उत्थे मतलब है क्योंकि अमृत जिहड़ा है वो जीवन का प्रतीक है। जीवन का प्रतीक है। अमृत दिंदा जीवन। अमृत पीवो सदा चिर जीवो। जहर जिहड़ी वो मौत दी प्रतीक है। ते मनुख दी सब तो वड्डी कमजोरी यह है कि मनुख जीवन चाहता है ते मौत तो डरता है। गुरबाणी ने कह दिता है कि मरने ते जगत डरे जीविया लोड़े सब कोई। मनुख दी कमजोरी। ते गुरु कहते नहीं जिहड़ा मौत दा तेरे मन विच डर पैदा हो गया वह भी तेनू किराए पा रहा। जिहड़ा जीवन दा तेनू लालच पैदा हो गया लालच ते डर दोनों चीज़ां तेरे लिए परेशानी ने। इसलिए गुरु आखदा मरण जीवन जो सम कर जाने सो मेरे मन भाईंदा। इत्थे वेख ते अमृत तो भाव है मरण ते जीवन नू बराबर समझना सहज है। उहदे विच भी ये चीज़ां ने पर उत्थे ये लफज खिलार के नहीं स्पष्ट किया गया कि बेख ते अमृत विच की फर्क है। उत्थे ये कहता कि जे तैनू भला सहज विच तैनू जहर का प्याला कोई पील नहीं आखे बेशक बेफिक्र होकर पी जाए समझ के ये भी मैनू रब ने भेजिया। जे तैनू कोई कुकर्म करने का समा सामने आ जाता है तो वह भी बेफिक्र होकर कर जाए समझ मेरे मेरे वागुरू के हुक्म विच ही हो रहा है। बड़ी अजीब गल है। उत्थे इत्थों तक लफज ने कि सहज विच तू अपनी व्याहता औरत ते पराई औरत नू बराबर समझना है। बकायदा उहदे च लिखिया होया ये सहज है। की फर्क है? उस सहज नू पढ़न वालियां ने जिन्हां ने श्री गुरु सारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो किसे सारे सतगुरु दे कहे होए सहज दी व्याख्या जिहड़ी है वह बिल्कुल वखरी। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਝਗੜਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੜਿਆ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੋ ਬੈਠੀ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹਿਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ आ झगड़ा चल रहा अज। मैं हैरान इस गल ते निर्वस्त्र हो के क्यों? क्योंकि वो सहज अवस्था में चली गई जिथे जाके सुध नहीं रहिंदी। उन्हां दा सोच है। हुण श्री गुरु ग्रंथ साहिब कोलों पुछो भी सहज अवस्था में सुध नहीं रहिंदी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने उपजाए सहज ज्ञान मत जागे। गुरु प्रसाद अंतर लग गए। गुरबाणी पढ़ के देख लो। गुरु कहते जदों ज्ञान उपजदा जदों सहज उपजदा उदों ज्ञान आता है। सुध बुद्ध जाती नहीं। सुध बुद्ध पवित्र होंगे। हुण श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते उपजे सहज ज्ञान मत जागे। ज्ञान वाली मत उजली मत सहज विचों पैदा होंदी। ते ओ कहते ने नहीं सहज में चली गई माता भागो। इसलिए उन्होंने भुल गया कि मैं औरत हाँ कि मर्द हाँ। मैं कपड़े पाए ने कि नहीं पाए। वो भले मैं इस गल नू खिलारे विच नहीं लिजाना चाहता। सिर्फ इन्नी गल कहना चाहना कि जिन्नी देर तुसी केवल ते केवल श्री गुरु ग्रंथ साहब तो अपनी अगवाई नहीं लोगे ग्रंथां विच जहर घोली गई है। और इसलिए उत्थे लफज उपर यह लिख रहा होया है कि खालसाई जीवन जुगत। खालसाई जीवन जुगत थले लिखा होया है पातशाही दसवीं पर उत्थे सहज दी ये अवस्था और जेड़ा उतों सहज पड़ेगा वो तो आखेगा माता भागो जी सी उनकी मत चली गई, उन्होंने पता ही नहीं लगा मैं कपड़े पहने कि नहीं पाए। जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब तो सहज पड़ेगा वो ये गल आखेगा, समझेगा कि उपजे सहज ज्ञान मत जाती है, उसे ज्ञान पैदा होता है, जागृति पैदा होती है। हुण इत्थे बाबा कबीर जी कहंदे ने मैनू सहज दे घाट ते पहुंचण दा बैठण दा समा मिलिआ है, भाव ज्ञान दे घाट ते जिथे मैनू संसार दा जीवन दा हर चीज़ दा पता लगा है। बाबा कबीर कह रहे हैं गंग जमन के अंत सहज सुन के घाट, मैं पवित्रता दे उस घाट किनारे ते पुज गया जिंदा ना सहज अवस्था है। ते जिस सहज अवस्था नू बड़े बड़े ऋषि मुनि पालदे ढूंढदे रह गए ने, उस पवित्रता दी सहज अवस्था नू जो श्री गुरु ग्रंथ साहब ने बख्शिश कीती है, बाबा कबीर कहते ने मैं उथे पहुंच गया। तहां कबीर है मट किया, मैं उथे अपनी रहा मेरा ठिकाना बन गया। खोजत मुनिजन बाट जिंदा राह अजे मुनिजन संसार दे ऋषि मुनि ढूंढते पै सन भी सानू कोई सहज अवस्था मिल जाए। हुण अगले श्लोक ते पुजो, कहंदे ने मिल गई पर मैं तो ये सोचना कि जिहड़ी चीज़ मिली है एडी महान सहज अवस्था ये मेरी जिंदगी जीवन नाल निभ जाए, नहीं तो इस सहज नू बखेरन वाले, इस सहज तो गुमराह करन वाले इहो जे ग्रंथ ते इहो जिहियां विचारां जिहड़ियां साडे लई केवल झगड़ा ते केवल बेहरमती बणियां होईयां ने। बाबा कबीर अगले श्लोक विच कहंदे ने मैनूं ते इह फिकर है कि जिहड़ी उपजी है मेरे हिरदे विच सहज अवस्था मेरे जीवन विच निभ जाए, ओहो ही कीमती है जे इस सहज अवस्था नू श्री गुरु ग्रंथ साहब की बख्शी हुई सहज अवस्था नू जीवन विच अपना के मैं सारा जीवन इहदे आधार ते कट सकां। बाबा कबीर आखदे ने उपजी पेड़ ते कबीर जैसी उपजी पेड़ जो तैसी निभ है ओड़, जो तैसी निभ है ओड़, हीरा किसका बापरा वापरा, तुझे रतन करो, मुझे न रतन करो, ऐसी निभ है ओ ऐसी गंग जमन के अंतर सहज सुन के घाट। बाबा कबीर आखदे ने पवित्र सहज अवस्था जिहड़ी है मैं उहदे किनारे ते पुजिया, जिहड़ी गंगा जमुना वर्गी पवित्र, जिवें तुसीं उहनूं गंगा जमुना नूं पवित्र आखदे हो, मैं सहज अवस्था दा घाट जिहड़ा किनारा है मेरे वास्ते उही पवित्रता है। लेकिन सहज अवस्था दा किनारा जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब बख्शदा है, जिंदे विच सारा पढ़ के देख लो केवल पवित्रता है। किसी थां ते इह नहीं आखिया कि सहज अवस्था ओह है जिथे मत चली जाती है, पढ़ के देख लो। किसी थां ते इह नहीं आखिया सहज अवस्था नाल सुध बुद्ध खो जाती है, कुकर्म हो जाते हैं। किसी थां ते यह नहीं आख्या कि जदों सहज अवस्था आ जाए उस वक्त मनुख कुकर्मी हो जाता है, उनके वास्ते अपनी तो बेगानी पत्नी का भी कोई फर्क है कितने? दसो श्री गुरु ग्रंथ साहिब चो कोई एक थां ऐसी दिखा दो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का सहज तो ये गल आखदा है कि जे सहज उपजदा है उपजै सहज ज्ञान मत जाए। जिस दिन सहज उपजदा श्री गुरु ग्रंथ साहिब का उस दिन ज्ञान की मत जाग पैंदी है, चेतनता की मत जाग पैंदी है। मनुख नूं पता लग जाता है संसार विच किवें जीउणा है, चंगा की है मंदा की है। उदों सिख नूं पता लग जाता है कि जिन्नी कमी ना है गुण ते कंबड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वे साईं दे दरबार। इहो जी सहज दी अवस्था, इहो जी सहज दी मत श्री गुरु ग्रंथ साहिब बख्शिश करते हैं जिहड़ी सिख नूं चाहीदी है। नहीं तो होरना ग्रंथां चों मैं तुहाडे सामने एग्जाम्पल पेश कीती है, पढ़ के देख सकते हो, मेरे कोल पए ने। जे किसी ने जरूरत होवे तां उहनूं भेजे भी जा सकते हैं। इंटरनेट के साधन ने अजकल, तुसीं घर बैठ के पढ़ सकते हो, पता लग जाए। असीं चाहते हां सिर्फ असीं भुलेखे ते मुगालते विच ना रहिए, सानू पता लग जाए असी जिंदे अगे नमस्कार करने आ वो साडा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब की है, ते उनदे नालों तोड़ के उन्हां ही लफ्ज़ां नूं सानू गुमराह करने वास्ते किवें वरतिया जा रहा है। इन्हां दोहां चीज़ां तो बचा हो सके, इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जा चुका। फतेह बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।